हाय गाइस, आज मैं बना रही हूँ चिली पटाटो। तो जिसके लिए मैंने आलू उबाल के रख लिए हैं और इसे बढ़िया से मैं मैश कर लूँगी एकदम मुलायम मुलायम करके। मैंने आलू को 2 से 4 सीटी लगा लिया था क्योंकि ज़्यादा बढ़िया से उबल जाएँ। आप चाहे तो ग्रेट कर सकते हैं या मैसर से मैश भी कर सकते हैं, तो मैं इसी तरह से कर लूँगी क्योंकि मैंने आलू को बहुत बढ़िया से उबाल लिया था। और इसमें मैं मिला लूँगी ये कॉर्नफ्लावर, ये रखा है मैंने, 3 से 4 चम्मच कॉर्नफ्लावर डाल लेंगे हम इसमें। बस हमें इतना कॉर्नफ्लावर डालना है कि अच्छे से बाइंडिंग हो जाए इसमें, और अच्छे से हम इसको बाइंड कर लेंगे। गाइस देखिए, हमने आलू को अच्छे से बाइंडिंग कर लिया है कॉर्नफ्लावर मिला के। और ये मैंने पानी रख लिया है, इसमें मैं नमक डाल दूँगी। पानी हमारा गर्म हो गया है, हमें थोड़ा सा तेल लगा लूँगी हाथ में और इसमें से इस तरह से तोड़ के, और ये ली है मैंने कांच की शीशी और इस तरह से हम इसे बना लेंगे। इस तरह बना बना के हम पानी में डाल देंगे और इस तरह से हम सारे बना लेंगे। अभी देखिए गाइस, मेरे पटाटो बॉयल बन के तैयार उबल गए हैं बढ़िया से। और ये मैंने कढ़ाई रखी है, इसमें डाल लिया मैंने तेल। अब मैं डाल दूंगी इसमें प्याज, ये मैंने बारीक बारीक चॉप करके रख लिया था प्याज को। इतनी उधर तेल तैयार हो रहा है, इनको मैं निकाल लूंगी एक प्लेट में। ये मैंने वही प्लेट ले लिया है जिसमें अभी मैंने इन्हें मिक्स करा था, कॉर्नफ्लावर और पटेटो को। ये मैं सारे बाउल निकाल लूंगी, गैस को ऑफ कर देंगे हम। प्याज हो गया, इसमें ये हरी मिर्ची डाल दूंगी मैं, इसी के साथ ये लहसुन डाल दूंगी। ये मैंने चिली फ्लेक्स बनाया था उसी पर मैंने लहसुन कूट लिया है। इसी के साथ मैं नमक डाल दूंगी स्वाद के अनुसार। इसी के साथ मैं सारे बाउल डाल दूंगी। और गैस को कर दूंगी फिर। थोड़ा सा डालने के लिए होगा, थोड़ा सा डाल देंगे सोया सॉस। थोड़ी सी डाल देंगे हम चिली सॉस। और थोड़ा डाल देंगे टमाटो सॉस। और इन सब चीज़ों को हम उलट पुलट कर देंगे और अच्छे से मिला देंगे इसको। इसी के साथ डाल देंगे ऊपर से चिली फ्लेक्स। और ये हमारे गार्लिक चिली पटेटो बनकर तैयार हो गए हैं। और इस पे डाल देंगे हम थोड़ा सा हरा धनिया। और देखिए कितना बढ़िया से हमारा गार्लिक चिली पटेटो बनके तैयार हो गया है और एकदम बढ़िया से बन गया है। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बाय गाइज़।